हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी विद कार्तिक। टुडे विल स्टडी परसेंटेज। आज हम परसेंटेज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, यहां पर द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स 10% एनुअली। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹25,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। यहां पर मान लेते हैं एक मशीन का जो प्राइस है वो हर साल 10% डिक्रीज होता है। अब अगर अभी का उसका जो प्राइस है वो ₹25,000, तो अगले एक साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि प्राइस कितना होगा। हम लोग लिखते हैं पहले करेंट प्राइस जो कि है ₹25,000। अब यहाँ पर ढूंढते हम लोग ये वैल्यू, हम लोग लिख देते हैं करेंट वैल्यू ऑफ मशीन। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करेंट वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद उसके वैल्यू कितना हो जाएगा उस मशीन का। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, अभी 25,000 है, तो फिर 25,000 है तो उसका 10% और, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10% उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब कि 100% प्राइस होगा उसका भी, तो 10% अगले साल डिक्रीज हो जाएगा, तो बचेगा कितना प्राइस, 90%। तो जाएगा 90/100 × 25,000। हम लोग इसे इस वे में भी कर सकते थे कि कितना प्राइस डिक्रीज हो गया, या फिर हम लोग इसे इस वे में भी कर सकते हैं कि कितना प्राइस बचे। इसे हम लोग सीधा सिंपली एक ही बार में ढूंढ सकते हैं, ₹90/100 × 25,000। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 250 × 90, यह जाएगा इसका आंसर। इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 × 9, हो गया 225 रुपीज 225। 0 0 2 0 हो गया, तो 22,500 ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 90% हो गया, इसका प्राइस बच गया, 10% डिक्रीज होने के बाद प्राइस हो गया ₹22,500। अब है दूसरा क्वेश्चन, इफ x परसेंट ऑफ 75 इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर लिखा है x परसेंट ऑफ 75, मतलब कि आप हम लोग x के वैल्यू ढूंढ रहे थे। x परसेंट यहाँ पे कुछ होगा 10%, 20%, 12% कुछ होगा यहाँ पे। जैसे हम लोग x परसेंट हो गया 75 का, 75 का x परसेंट, जैसे कि 75 का 10% कुछ इसी तरह। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x परसेंट क्या हो गया, x/100 ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो x/100 × 75/1 हम लोग इसे लिख सकते हैं, ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया, x परसेंट हो गया x/100 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हम लोग ढूंढना है x का वैल्यू, तो कितना परसेंट हो गया 75 का, जो कि 9 के बराबर हो रहे हैं। 5 × 20 5 × 25 5 × 25 4 3 3/4x = 9, तो 3/4x = 9 हो गया। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर x का वैल्यू, तो x यही पर रहेगा, 3/4 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो 3/4 × x हो गया, तो यहाँ पर उससे जाके हो जाएगा डिविजन में, 9/3/4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x = 9/1 × 4/3। रेसिप्रोकल हम लोग इसे ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 हो गया 12। तो x का वैल्यू हो गया 12, मतलब कि 12% हो गया 75 का 9। इसे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि x परसेंट ऑफ 75 था 9, तो 12% ऑफ 75, 12/100 × 75 = 9। इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे 5 × 5 = 25 5 × 10 = 0 5 × 20 5 × 20 3 × 3 हो गया क्या 9, 3 × 3 = 9। यहाँ पर 3 × 3 और आंसर जो कि 9 के बराबर हो गया, तो मतलब ये आंसर सही है। इस तरह से हम लोग इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।